बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 तो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। जिस बात की जानकारी सामने आते ही तमाम लोगों ने यह अंदाजा लगाना स्टार्ट कर दिया है कि आखिरकार इस बार कॉन्टेस्टेंट के रूप में कौन कौन नजर आने वाले हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि सिंगर आदित्य नारायण का भी नाम सामने आ रहा था, क्योंकि उनके साथ सलमान खान का एक फोटो सामने आ रहा था जहाँ पे ये बताया जा रहा है शायद ये उनके प्रोमो शूट का एक फोटो रहेगा या फिर आदित्य नारायण एंट्री करने वाले हैं शो में। आखिर क्या है पूरी कहानी? आफ्टर ऑल आदित्य नारायण ने अपने इस जो अफवाहें चल रही थी इस पे उन्होंने एक फाइनल रिएक्शन दे दिया है और उनका क्या कहना है, क्या वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में हिस्सा ले रहे हैं, क्या वो बिग बॉस हाउस में नजर आने वाले हैं या क्या है पूरी कहानी, आई नजर डालते इस पूरे वीडियो पे जहां मैं आपको ले चलूंगी कि आखिरकार आदित्य नारायण का रियलिटी शो बिग बॉस और ओटीटी पे क्या कहना है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति सुआ। आपको बता दूं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 हमेशा की तरह इस बार भी सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि इसका पहला सीजन भी बहुत ज्यादा हिट हुआ था, जिस वजह से 1.5 साल के बाद मेकर्स ने ये प्लान बनाया है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लॉन्च करने वाले हैं। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतने ही है कि पहला शो को करण जौहर होस्ट किए थे और सेकेंड शो को सलमान खान होस्ट करने वाले हैं। और खास बात पता है आपको क्या है कि आदित्य नारायण का नाम भी सामने आ रहा था। फैंस तो इन्हें एज अ होस्टिंग करते हुए एंकरिंग करते हुए देखे ही है, लेकिन रियलिटी शो में इनकी जो असलियत सामने आएगा, क्योंकि 3 महीने तक या 1.5 महीने तक कोई भी अपना ढोंग नहीं रचा सकता है, सबको अपना अपना असलियत आना ही पड़ता है क्योंकि घर का माहौल ही वैसा बन जाता है। तो उस पर आदित्य नारायण ने आज सोशल मीडिया पे उनके खुद के अकाउंट इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया जहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि मैं कभी भी अगर कोई रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहूँगा तो वो सिर्फ खतरों का खिलाड़ी है, इसके अलावा कोई भी शो के लिए मैं कभी हामी नहीं भरूंगा क्योंकि कोई भी शो में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में है। अगर उसके लिए कभी ऑफर आएगा तो डेफिनेटली मैं शो करना चाहूंगा क्योंकि उसमें एडवेंचरस है, उसमें कुछ ऐसा है कि मैं सीख सकता हूँ, मेरे लिए कुछ नया हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है। मैं ऐसा कोई शो नहीं करना चाहता जिसमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़े नहीं, बल्कि कुछ पाने के चक्कर में आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। और ये कहते हुए आदित्य नारायण ने ये चीज को जाहिर कर दिया है कि वो बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा नहीं बनने वाले। इनफैक्ट अगर नॉर्मल बिग बॉस का भी शो आ जाएगा तो भी शायद आदित्य नारायण इस शो का पार्ट नहीं बनेंगे। फिलहाल तो आदित्य का ये कहना है, आखिरकार कब तक आदित्य इस बात पर टिके रहते हैं या कभी भी वो कोई भी खतरों के खिलाड़ी को छोड़कर कोई भी रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये जो बात उन्होंने कही है इस पर कितना अड़े रहते हैं ये देखना बेहद खास होगा। लेकिन जो कन्फर्मेशन था मेरे साइड से, मैं आपको कन्फर्मेशन दे देती हूँ कि आदित्य नारायण नहीं होने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा। इस पर आपको क्या रिएक्शन मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फीफा पोस्ट।